हेलो एवरीबॉडी, हरियाणा में नई भर्ती निकली है। सुपरवाइज़र, इंचार्ज, मैकेनिक और अन्य पदों पे भर्ती है। दोस्तों, यदि आप इस भर्ती के बारे में जानना चाहते हैं डिटेल से, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी राजेश, स्वागत करता हूं इस वीडियो में और आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी देसीता ऊपर। कैसे हो आप सभी दोस्तों? इस चैनल पर हर रोज़ आपके लिए एक या दो वीडियो जॉब या जॉब से जुड़ी जानकारी पर मैं लेके आता रहता हूं, जो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल ज़रूर होती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी मिस ना हो। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भर्ती के बारे में। और दोस्तों, इसकी इन्फॉर्मेशन शेयर की है तिलक भाई ने, जो कि गोहाना से हैं। तिलक भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि बार बार अपडेट देते रहते हैं। तो दोस्तों, आप यहां पे देख सकते हैं, सुपरवाइज़र है, पानमैन है, इंचार्ज है, मैकेनिक है व अन्य पद है। फार्म आपको ऑफलाइन भरने हैं, फार्म भरने की कोई भी फीस नहीं है। महिला और पुरुष दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। योग्यता सभी की अलग अलग से यहाँ पर मैं बता देता हूँ कैसे कैसे क्या क्या योग्यता इसमें बताई गई है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, कैन यार्ड सुपरवाइज़र है, 18 से 42 साल एज है, 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये वेतनमान बताया गया है। योग्यता क्या मांगी गई है? बीएससी कर रखी हो आपने तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कृषि तथा कंप्यूटर का ज्ञान होना ज़रूरी है, ठीक है। बीएससी कृषि एग्रीकल्चर में होना चाहिए। कैन क्वालिटी सुपरवाइज़र, एज आप यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा और वेतन आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें कैन क्वालिटी सुपरवाइज़र की योग्यता क्या है? बीएससी एग्रीकल्चर और कंप्यूटर का ज्ञान होना ज़रूरी है दोस्तों। कैन डेवलपमेंट सुपरवाइज़र, इसमें भी आपकी बीएससी मांगी गई है, ठीक है। और टरबाइन इंजीनियर, इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए और 2 साल का अनुभव होना चाहिए, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास डिप्लोमा है तो आपके पास 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। लेबोरेटरी इंचार्ज, इसमें आपकी बीएससी मांगी गई है पीसीएम व 3 माह का कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए और 2 साल का अनुभव आपके पास होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हेड पानमैन, तो इसमें 10वीं द्वितीय श्रेणी व शुगर वायलिंग डिप्लोमा, तो इसमें दोस्तों 10वीं के साथ में शुगर वायलिंग का डिप्लोमा होना चाहिए और 10 साल का अनुभव होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों, पानमैन दोबारा से है, इसमें भी वही है, ठीक है। और सहायक पानमैन क्या है? 10वीं पास होनी चाहिए और 3 साल का अनुभव होना चाहिए। शुगर वाइलिंग प्रमाण पत्र धारक को प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन अप्लाई 10 साल प्लस में 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्री फ्रूगल मैकेनिक, इसमें 10वीं पास मांगी गई है, साथ में फिटर ट्रेड में ITI होनी चाहिए और 8 साल का अनुभव होना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आपकी क्वालिफिकेशन, ठीक है, आपने क्वालिफिकेशन देख ली। और दोस्तों, फार्म आपको ऑफलाइन भरने हैं, फार्म भर के आपको इस एड्रेस पर पहुंचाना है 5 मार्च से पहले पहले, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे आप पूरी डिटेल देख सकते हैं। पदों के आरक्षण, यहाँ पे 8वें पॉइंट पे देखिए, पदों के आरक्षण विवरण तथा संपूर्ण विवरण के लिए वेबसाइट है दोस्तों ये, पर प्रकाशित नोटिस का अवलोकन अवश्य कर ले में तथा सभी प्रकार से योग्य होने पर ही आवेदन करें। केवल चयनित आवेदकों को ही साक्षात्कार के लिए कॉल लेटर जारी किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। और ये भर्ती पहले भी निकली थी, उन्हें आवेदन करने की दोबारा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों, ये जो भर्ती निकली है, ये निकली है कोऑपरेटिव शुगर मिल रोहतक में, ठीक है। 5 मार्च इसकी लास्ट डेट है, सभी जातियों के लिए है दोस्तों। यदि आप ये क्वालिफिकेशन रखते हैं और इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। आपके शहर की दुकान पर या दी गई वेबसाइट पर आपको फॉर्म मिल जाएगा, फार्म को भर के और साथ में सारे डॉक्यूमेंट लगा के आपको दिए गए एड्रेस पर पहुँचा देना है 5 मार्च से पहले पहले। दोस्तों, इस प्रकार की वीडियो अपने चैनल पर आती रहती है, जो आपको जॉब के बारे में बताती है, आपके एरिया में कौन सी जॉब निकली है। यदि आप इसी प्रकार की अपडेट पाना चाहते हैं, लगातार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। और ये वीडियो अपने यहाँ तक देखिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ रहे।